गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। मुझे बहुत सारे बच्चे के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम टोटल महाराष्ट्र के ओबीसी एससी एसटी ओबीसी फीमेल सभी चीजों के रैंक जो आ गया हमारा उससे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बच्चों ये तो फिक्स को ही दुनिया का आदमी नहीं बता सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली एक नंबर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपने बोला सर कैसे कर सकते हो, तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। ऑनलाइन ही आपको सर्च करना है कैसे करना है। अगर आप लोग गूगल पे आओगे तो डालोगे यहां पे महा सीईटी डॉट ओ आर जी, ऑफिशियल वेबसाइट है, एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिख रहा है, उसमें बी बीटेक दिख रहा है। न्यू पे यहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा आपके सामने। ये पेज आने के बाद नीचे नीचे जाना है। देखो यहां आपको यहां पे सीट मैट्रिक्स मिलने का 2017-18 का है, 2018-19 का और 19-20 मतलब गए साल का। आपको क्या करना है, यहां पे कैप राउंड 1 पे या कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 पे कहीं पे भी जाके व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने डिस्प्ले हो पा रहा है। अब ये होने के बाद इस पे सबसे पहले कॉलेज आता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात, हर देखो कंप्यूटर साइंस है बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हर ब्रांच जानती है। उसमें क्या करना है, देखो इसका मतलब होता जनरल ओपन, इसका रैंक और परसेंटेज आ रहा है। रैंक क्या है, 9,698, 95% 0.48% पे ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती का आपको सिविल ब्रांच मिली थी। उसके बाद में एससी जनरल एससी है ना, इसमें आपको 16,599 मतलब 91.94% पे ये कॉलेज मिलेगा। अब ये कॉलेज इसी परसेंटेज पे या इसी रैंक पे मिलेगा क्या, हो सकता है करीब करीब, मतलब थोड़ा सा मैच करेगा, मतलब एक आपको अप्रोक्सीमेटली ये डेटा बता पा रहे हम लोग। उसके बाद में बच्चों एसटी की दिवाला है 28,642 इस पे, मतलब 83.75 जिसको परसेंटाइल है, जिसका ये रैंक है बच्चों, इसको अमरावती का गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद में विजय जनरल कैटेगरी, जो जनरल में जो आगे मतलब उसमें मेल फीमेल होते ना इसे, तो 11,000 के करीब करीब 11,127 है। एनटी टू इसमें आपको 19,612 पे मिल रहा है, 90.21 इस परसेंटेज पे आपको सिविल ब्रांच मिलेगी। एनटी थ्री को आपको 10,381 पे 95.15% पे मिलेगा। जनरल कैटेगरी ओबीसी जनरल में आपको 11,430 पे ये कॉलेज मिलेगा। उसके बाद में एससी बीसी आप तो नहीं रहा है। लेडीज ओपन इसमें आपको 8,428 पे 96% पे ये आपको कॉलेज मिलने के चांसेस है। एससी लेडीज में 16,408 पे मिलेगा। देखो यहाँ पे एसटी दे वाला है, वीजे, हर कैटेगरी के लिए। नीचे आओगे तो कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी बच्चों, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ही, होम यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ देखो मुझे बच्चे पूछ रहे थे सर होम यूनिवर्सिटी का कुछ फायदा होता है क्या, तो होम यूनिवर्सिटी वाले के लिए ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है कि जैसे कि ओपन वाले के लिए 3,369 नंबर वाले को ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है, 98.40 पे मिलेगी। उसके बाद में बच्चों एससी के लिए है यहाँ पे जनरल, यहाँ पे 99,900 थोड़ा दिख रहा नहीं, यहाँ पे बहुत ही छोटी स्क्रीन पे देख रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो ये बातों को आपको डिस्प्ले करके वन बाय वन देख सकते हो, होम यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, ये सभी होम यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। वही कॉलेज अगर आप लोग होम यूनिवर्सिटी पूरे होम यूनिवर्सिटी के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे नीचे जाओगे बच्चों वहां पे आप लोगों को पूरा, जैसे कि अभी देखो संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती, तो इस पे भी आपको फूड टेक्नोलॉजी हर कोई ब्रांच आपको यहाँ पे मिले, होम यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट सीट, जैसे कि
ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम के लिए स्टेट लेवल की जो रैंक है वो है 16,610 है, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, हर ईडब्ल्यूएस वाले का शायद इस साल का टॉप बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होम यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी भी इसका डेटा आप लोगों को मिलेगा, मतलब हर कॉलेज का मिलने वाला है, ऐसे नहीं कि इसी कॉलेज का होगा। देखो ये होम यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बहुत डिटेल्स में बच्चों आप लोगों को ये डेटा मिलेगा, तो आप लोगों को जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा डेटा तो एक्सप्लेन करना पॉसिबल मेरे से नहीं होगा। आप लोगों को आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपका गांव कौन सा है, आपको कौन से यहाँ पे लिखना है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी। देखो मैं बोल रहा था ना आपको, होम यूनिवर्सिटी की 60 में से 27 सीट होती है, 12 सीट यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी के लिए होती है। तो देखो ये लिखा है होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटमेंट है, और ये अदर यूनिवर्सिटी के लिए ओपन के लिए 11,574 इस नंबर पे उनको ये कॉलेज मिला था। एससी के लिए, वीजे के लिए, NT2, ओबीसी, एसबीसी, लेडीज ओपन, लेडीज, इसके बाद में आपको एससी मिल रहा है, लेडीज एसटी मिल रहा है, लेडीज ओबीसी मिल रहा है ना। ये सभी डेटा यहाँ पे बहुत डिटेल में बच्चों, यहाँ पे 1,303 पेजेस है, तो इस डेटा को अच्छी तरह से आपको देखना है। जैसे कि यवतमाल का गवर्नमेंट कॉलेज, हर कॉलेज के बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लेकिन बच्चों आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन लगता है इतना इजी नहीं है इसका एनालिसिस करना, लेकिन आपको रात दिन मेहनत करके आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या पर्सेंटेज दोनों विधि वाला, रैंक एंड पर्सेंटेज, कौन सी ब्रांच चाहिए उसी ब्रांच पे जाओ। जैसे कि मुझे सीएस ब्रांच चाहिए, मुझे श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग शेगांव, शेगांव का गजानन महाराज कॉलेज है, उस पे देखना है तो पूरी देख सकते हैं, यहाँ पे हर लिस्ट दी वाली है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हर कॉलेज की लिस्ट है, हर चीज, हर कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट, होम यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी, लेडीज के लिए कितने, वीजेटी, NT2, NT, ओबीसी, एससी, एसटी, हर चीज के लिए है। और इतना डेटा, मतलब बच्चों आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि इससे आप लोगों को सब कुछ, मतलब किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा इतने बच्चे कॉल कर रहे हैं, और कभी भी लाइव आता हो तो लाइव में एक ही सवाल, सर इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा बता दो। भैया मैं क्यों बताऊं, आप देखो यार आपके सामने डेटा है, आपके लिए पूरा यहाँ पे बनाया यही वाली चीज है। तो ये स्टेट वाइज रैंक देख सकते हैं, जिसे कि किसी को क्या प्रॉब्लम सेकंड में चाहिए कि सर यहाँ पे महाराष्ट्र के, या ऑल इंडिया भी है, देखो ये महाराष्ट्र और ऑल इंडिया, सेकंड राउंड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड राउंड में हम लोग जाएंगे, अभी सेकंड राउंड में वही कॉलेज आप लोगों को कितने में मिला था, 96 पे मिला था ओपन के लिए, एनटी के लिए 10,734 पे। ये थोड़ी सी सीट डिग्री नहीं है आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बारीकी से समझ के लेना है, हर चीज समझ लो यार, सबके लिए डेटा बना के रख रहा हूं मैं। तो ये था आपके लिए पूरा के पूरा डिटेल, कैसे जाना है दोबारा एक बार मैं रिपीट दिखा रहा हूं, आप लोगों को सीधा गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको mahaceet.org एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पे पेज आएगा, ठीक है। ये कुछ मैंने गलत दबाया है आई थिंक, ठीक है। महासेठी, अब लोगों को समझ में तो आ गया महा, देखो CET.org, हाँ आप करेक्ट आया मेरे ख्याल से। एंटर मारना, ये फीस आएगा। जैसे जाओगे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में हम लोग आते हैं बीबीटेक, तो इस पे जाके आप अपना डेटा पूरा तरह से देख सकते हैं। देखना क्या है, सबसे नीचे सीट मैट्रिक्स, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इस साल दो ही कैप राउंड रहने वाले है, तो डोंट टेक टेंशन। जिनको ऑल इंडिया देखना है, ऑल इंडिया लेवल पे, तो ये पूरा डेटा यहाँ पे JEE के थ्रू भी आपको 15% पे कौन सा कॉलेज मिलेगा इसका भी डेटा इसमें सबमिट किया गया है। तो ये थी बच्चों पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपका हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, तो इसलिए लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और न्यू है तो भैया वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर यूर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा,
उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरी नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चीफ मॉडरेटर, मॉडरेटर और एग्जामिनर रहने वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th, 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले, जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।